हमीरपुर जिला की उप सब्जी मंडी जाहू में लगभग सभी दुकानें बंद नजर आई। बता दें कि यहां पर तैनात रतन चंद ने बताया कि बाहर से आने वाली सब्जी की गाड़ियां बाहर के रिटेलर दुकानदारों को सब्जियां बेच जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति सब्जी मंडी जाहू में नहीं पहुंचता। उन्होंने एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा से आग्रह किया है कि इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बाहरी सब्जी विक्रेताओं पर रोक लगाई जाए। सारी सब्जी पिछले यानी कि 2012 में खुली थी और इस सब्जी मंडी को चले हुए लगभग 10 साल हो गए, मगर डिपार्टमेंट की वजह से इसमें आज दिन तक कोई भी ना तो सुविधा है, ना तो जितनी भी गाड़ियां बाहर यानी कि सप्लाई कर आती है वो बाहर ही सप्लाई करके चले जाती है बाज़ार में, और आगे पीछे जितनी भी गाड़ियां आती है वो बाहर ही, जितने भी रिटेल के व्यापारी या जो सब्जी मंडी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसीलिए हमारी सरकार व एपीएमसी से गुजारिश है कि इस मंडी में कुछ सुधार किया जाए ताकि इस मंडी को सुचारू रूप से चलाया जा सके।